वक्त को बड़ी जानकारी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, कैथल से खबर है, टोना टोटका करने वाली का पर्दाफाश हुआ, घरों के बाहर फेंकती थी आपत्तिजनक सामग्री। तो सीसीटीवी में कैद हुई टोटका करने की तस्वीरें, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैथल से तस्वीर है। तो सीसीटीवी में ये पूरी जो घटना है वो कैद हुई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो घरों और दुकानों को अपना निशाना बनाती थी, इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो टोना टोटका करने वाली महिला का पर्दाफाश हुआ, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीसीटीवी के जरिए ये पूरा खुलासा हुआ, घरों के बाहर वो आपत्तिजनक सामग्री फेंकती थी जिससे आसपास के इलाकों में एक दूसरे से झगड़ा होता था। कैथल से मनोज मलिक हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले ये पूरी जो खबर है वो विस्तार से बता दे। तो मैं बताना चाहूंगा, ये देर रात का ये मामला, जब एक घर के सामने एक तांत्रिक ने टोना टोटका करने की तांत्रिक द्वारा किया गया, तो एक काफी समय से ये जो तांत्रिक महिला साधवी महिला जो तांत्रिक है लगातार ये टोना टोटका करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन किसी ने भी वो लोगों का आस पास के मकान मालिकों के पास किसी के पास प्रूफ नहीं था, यही वो महिला है साधवी, क्योंकि हम घरों के आगे दुकान के आगे जो टोटका है वो पट्टी करती थी, लेकिन जब ये फोटो सामने आई तो इसमें इसका खुलासा हुआ। जो बंडा फोन था वो उस माहौल जो कॉलोनी वासी है, जो मकान वासी है, उनको बहका कर उनसे पैसे लेकर टोना टोटका करने का जो तरीका था ये लगातार बताया जा रहा था, उसको लेकर जो कॉलोनी वासी काफी आहत हो कम आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये शादी नहीं मानी तो 112 पर डायल किया गया और मौके पर 112 करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साध्वी को वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके दौरान देखकर साध्वी के पहचान कर साध्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी जो मामला दर्ज अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि कैथल के अंदर लगातार जो तांत्रिक जो चोटती है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस उनको छोड़ देती है और उनको कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाता, जिसको लेकर आम जनता जो है बिल्कुल खौफ में जिले को मजबूर हो रही है, क्योंकि बात करें तो सामग्री जो की एक सामग्री की बात करें तो गुड़िया काफी ऐसी मतलब और जो टोटका दाम किया जाता था और जो गाँव जाती थे उनको डराया जाता था और काफी आपस में जो मतभेद भी जो मकान वासी उनमें शुरू हो चुके थे, क्योंकि आपस में ही आरोप लगाए जाते थे कि तुम हमारे मकान पे टोटका करते हो, तुम हमारे मकान पे टोटका करते हो, तो उसको लेकर काफी जो लगातार मामले थे लगातार बढ़ते, उसके बावजूद भी जब देर रात 112 पे डायल किया गया, पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस के वहां पर महिला को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी तक जो मामला दर्ज की तो पुष्टि अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है, लेकिन कैथल असत्तो से बातचीत की गई थी, असत्तो ने कहा कि जो फुटेज सीसीटीवी की फुटेज जो सामने आई है फुटेज के ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। अब लोगों की मांग ये है कि जो आदमी है जो तांत्रिक है जो लगातार काफी वर्षों से माता गेट पर एक रामा एक आश्रम है वहां पर ये रहती है और उस आश्रम में लगातार भीड़ दिखाई देती है, दूर दराज से लोग टोटका करवाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और जो आम वहां के लोगों की यही जिला प्रशासन है उनसे यही वहां पर अपील करते हुए वो नजर आ रहे हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो शहर वाला पुलिया उनको काफी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार ले गए महिला शादी महिला को जब पुलिस लेकर गई थी तो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। अब देखने वाली बात होगी क्या साध्वी ऐसी लगातार फिर टोटके करते नजर आएगी या फिर कैथल पुलिस उसके ऊपर मामला दर्ज करके और जो आम जनता है उनको बचाने का काम करेगी। जी मनोज, ये जो पूरा सिलसिला है टोना टोटका का वो कब से चला आ रहा था, क्योंकि अगर ये लंबे समय से चला आ रहा था तो तब सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं खंगाला गया? बिल्कुल देखिए, जब जो वहाँ के शहरवासी या कॉलोनी वासी उनसे बातचीत की गई थी तो उनका यही कहना था कि काफी लगभग 15-20 सालों से ये जो साध्वी है ये टोटका करवाती थी, लेकिन कभी भी ये नजर नहीं आई थी, क्योंकि जिस भी जो भी इसके पास टोटका करवाने के लिए जो भी
कैंसर की समस्या के लिए या फिर पैसों के लिए या फिर बच्चा होने के लिए जो भी टोटका करवाया जाता था तो उसके उससे जो भी इसके पास आते थे मुंह मांगी रकम उससे वसूला करते थे। लेकिन चीज का कोई भी प्रूफ जो भी कॉलोनी वासी है सेक्टर वासी संजय लगाइए इंडिया न्यूज हरियाणा ठीक है मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया।